हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे, आपके साथ मैं उपस्थित हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। 2023 के वर्ष का अंत हो रहा है और 2024 जो कि नया साल है उसकी शुरुआत हो रही है। दो तरीके के छात्र मेरे साथ इस समय जुड़े होंगे, एक वो जो 2025 की तैयारी के लिए सोचना शुरू कर रहे हैं और एक वो जो 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए कमर कस रहे हैं। तो ऐसे दोनों ही छात्रों के लिए, ऐसे दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए मैं आज एक खुशखबरी भी कह सकते हैं आपके लिए, नए साल की शुरुआत के लिए लेके आया हूँ। इसके लिए आपके पास दो बैचेस स्टडी आईक्यू के पास है और विशेषकर इस क्लास में हम लोग यही बात करेंगे कि अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, अब रिवीजन पर्पस से प्रारंभिक परीक्षा फोकस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दो तरीके हैं, एक आप खुद से करें और दूसरा तरीका है कि आप उसके लिए मार्गदर्शन या सहयोग ले लें। अगर आप सहयोग चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ प्लान है, और अगर आप खुद से करते हैं तो जो प्लान यहाँ है उसी प्लान को आप खुद से फॉलो करिए तो खुद से भी कर सकते हैं। बस इतना सा है कि जब सहयोग मिल जाता है तो हमारी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। हम पैदल भी, अपने पैर से चल के भी लखनऊ से दिल्ली जा सकते हैं, और हम साधन बस से, ट्रेन से या फ्लाइट से भी जा सकते हैं। अब बात वही है कि अगर हमने सहयोग लिया साधनों का, माध्यमों का, तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं, और अगर हमने सहयोग नहीं लिया, हमने सेल्फ से करना चाहा, तो हमें समय लगेगा, अर्थात टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। आप खुद से करेंगे तब पर भी कर सकते हैं, और अगर आप साधन के थ्रू जाना चाहते हैं तब पर भी जा सकते हैं। बस अंतर किसका होगा? समय का। तो बिना समय गवाए मैं आप लोगों को पहले वो दो खुशखबरी बता दूं और उसके बाद मैं बता दूं कि उसके भीतर क्या है और कैसे उसमें आपको लाभ होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात उन छात्रों के लिए जो 2025 के लिए तैयार हो रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में अपेयर हो, तो उनके लिए हमारे पास नए साल पे जो स्टडी आईक्यू अपना कोर्स सेल करता है उसमें आपको न्यू ईयर सेल के रूप में एक ऑफर मिल रहा है, जहां आपको 26,000 रुपए खर्च करने होते थे, वहीं पर आप अगर 2 तारीख तक बैच 6 में अपना एडमिशन डन कराते हैं तो आपको 21,999 रुपए में आपको ये जीएस फाउंडेशन जो P2I बैच है ये आपको मिल जाएगा। इस बैच के साथ अगर आप आगे जाते हैं तो कुछ सुविधाएं हैं, जैसे इस बैच की शुरुआत, आपकी क्लासेस की शुरुआत 2 जनवरी 2024 से शुरू हो रही है, और देखा जाए तो लगभग 2 वर्ष का समय इसमें आपको मिलता है। साथ ही साथ अभी जब आप शुरू करेंगे तो आपको फाउंडेशन के लिए जो बेसिक कक्षाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएगी, एनसीईआरटी कक्षाएं वो उपलब्ध कराई जाएगी, फिर एडवांस फाउंडेशन कराया जाएगा, और उसके बाद 2025 के टाइम पे जब आप 2024 के लास्ट दिसंबर में होंगे तब SIP 2025 सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस 2025 में आपको इनरोल किया जाएगा, टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, और फाइनली 2025 के प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं आप, उसके बाद स्टडी आईक्यू आपको अपने वेंचर पे, अपने वेन्यू पे दिल्ली बुलाता है, और दिल्ली में रहने का, पढ़ने का, स्टडी मटेरियल का सारा खर्चा स्टडी आई क्यू उठाता है, और आपको मेंस की ऑफलाइन मॉडल में पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है। ये जीएस फाउंडेशन P2I बैच का अपना मॉडल है जिस मॉडल पे आपकी तैयारी होती है। 2 साल के लिए आपको फीस अगर पे करनी पड़ रही है 21,999, ये नए साल पे है अगर 2 जनवरी तक आप अपना एडमिशन लेते हैं तो। ये बात हो गई 2025 के लिए जो छात्र तैयार हो रहे हैं। क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, क्या क्या इसमें होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा, बस रुके रहिएगा। अब जो 2024 के लिए तैयार हो रहे हैं छात्र, क्यों उन्हें 2024 का एग्जाम देना है, और किसी भी कंडीशन में उन्हें प्रारंभिक परीक्षा तो पास करना ही करना है, और होना भी यही चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा आपको जरूर पास करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही आपकी वाकई में जो गंभीर वाली तैयारी होती है वो आप कर पाते हैं उस दौरान।
और प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच के टाइम में आप जितना सीखते हैं उतना साल, 3 साल भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो नहीं सीखते। बहुत जरूरी है, कई बार हमारे ऊपर जब तक दबाव नहीं आता है तब तक हम उन चीज को उतनी गंभीरता से नहीं करते और उतना समय नहीं देते, और जब चीजें सर पे होती है कि नहीं सिलेबस पूरा नहीं होगा तो मेन से बाहर हो जाएंगे, उस टाइम पे जो 3-3.5 महीने में आप करते हैं वो शायद आप 1 साल में आपको लगता है अगर किया होता तो कोई भी परीक्षा नहीं रुकती। इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रारंभिक परीक्षा पास करें, और जो लोग भी 2024 के लिए, दूसरा मोटिवेशन, जो उत्साह वर्धन है आगे तैयारी के प्रति, वो भी मजबूत होता है अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा में बिल्कुल भी न चूकिए। इसलिए SIP प्लस 2024 सक्सेस इन प्रीलिम्स का जो बैच है स्टडी IQ आपके लिए लेके आया है। इसकी खासियत ये है कि ये भी एक स्ट्रक्चरल पूरी तरीके से इसको प्रीलिम्स के लिए संरचनात्मक ढंग से बनाया गया है। सारे जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है उनको रिविजन कराया जाता है, साथ ही साथ जिन सब्जेक्ट से करंट अफेयर्स अपडेट होते हैं, जुड़ते हैं, जैसे पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, ज्योग्राफी हो गई, साइंस टेक हो गया, तो इन सब्जेक्ट के साथ करंट अफेयर्स भी जुड़ता है और सवाल पूछे जाते हैं तो उनके करंट अफेयर्स को भी ट्रेडिशनल के साथ जोड़ के आपको पढ़ाया जाएगा। और इसकी एक कंप्लीट बुकलेट होती है जिनको आप अगर 1 से 2 बार रिविजन कर लें तो मुझे नहीं लगता कि UPSC के 1-2 सवाल छोड़ के कोई सवाल बाहर जाएगा, वो चाहे परंपरागत हो, वो चाहे अपडेटेड करंट अफेयर से रिलेटेड हो। तो ऐसे स्थिति में आप इस तरीके के पूरे प्लान कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, और इस कोर्स में भी आपको भारी छूट मिल रही है। अगर इस कोर्स की बात करेंगे तो अभी तक ये 9,999 में छात्रों को उपलब्ध हो पा रहा था आफ्टर डिस्काउंट, है ना, कितने में हो पा रहा था आफ्टर डिस्काउंट, ये 9,999 में उपलब्ध हो रहा था। लेकिन अगर 3 जनवरी से पहले आप इसके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि ये 2 जनवरी तक ही है वैलिड, 3 जनवरी से आपका बैच शुरू हो रहा है, तो आपको केवल 6,999 में ये जो SIP प्लस 2024 सक्सेस इन प्रीलिम्स वाला बैच है ये आपको मिल जाएगा। तो मैं आप दोनों छात्रों से, जो लोग जिस भी तरीके से तैयार होना चाहते हैं वो इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना होगा कि जब आप अपना एडमिशन लें तो AP लाइव कोड का इस्तेमाल करें। तो जो बेसिक चीजें थी इसके अंदर मोटी मोटी वो मैंने बता दी। अब जो आपको बस देखना है फटाफट कि क्या है इसके अंतर्गत, कैसे होता है, कौन सी फैकल्टी आपको क्लासेस देती हैं, किन फैकल्टी के साथ आप पढ़ाई करेंगे, तो वो सब मैं फटाफट करके आपको दिखा देता हूँ। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी टीम है, हिंदी वर्टिकल की पूरी टीम है जिनके माध्यम से आप अपनी तैयारी कंप्लीट करेंगे, आप अपनी तैयारी पूरी करेंगे। क्या कुछ खास है, तो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू P2I बैच का नाम है, और अगर इसमें आप कार्यक्रम देखेंगे कि फाउंडेशन बैच में अगर आपकी कक्षाएं शुरू होती हैं तो कैसे, जिस बैच में आप एडमिशन ले रहे हैं उस बैच का नाम है फाउंडेशन बैच 6, और इसमें अभी 28 तारीख से ओरिएंटेशन की जो कक्षाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे ये लाइव फाउंडेशन कार्यक्रम होता है, और 28 दिसंबर से 2023 से 28 दिसंबर 2024 तक ये चरण आपका चलेगा। इसके बाद आप प्रारंभिक परीक्षा चरण में आएंगे जिसमें आपको SIP कार्यक्रम में रखा जाएगा, और SIP कार्यक्रम की बात करेंगे तो ये 15 नवंबर 2024 से 15 मई 2024 तक चलेगी। 2025 का जो कार्यक्रम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है। पहले चरण में आपका पूरा फाउंडेशन और एडवांस करा दिया जाएगा, दूसरे चरण में प्रीलिम्स में फोकस होगा, और जब प्रारंभिक परीक्षा हो जाती है आपकी, मुख्य परीक्षा के लिए आप आते हैं और मुख्य परीक्षा में आवासीय कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, स्टडी IQ आपके रहने का, खाने का, पढ़ाई लिखाई का और मार्गदर्शन का सारा खर्चा उठाता है, आपको कुछ नहीं करना होता है केवल सिवाय पढ़ाई के। ये कार्यक्रम 10 जून से 15 सितंबर 2025 तक चलेगा, फिर आप मेंस देंगे, चौथा चरण साक्षात्कार का होगा। इसमें आपको साक्षात्कार में मॉक और प्लस क्लासेस दोनों मिलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, 1 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2025, और उसके बाद 2026 में आपका इंटरव्यू होगा और आपका 25 का रिजल्ट 26 में आता, आपका कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। सारे सारे जो चरण हैं सभी चरण परस्पर संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिविल सर्विसेज की परीक्षा यात्रा में आपकी मदद करने के लिए ये कोर्स डिजाइन किया है, और इस कोर्स में अगले 2 वर्षों तक आपकी UPSC की संपूर्ण तैयारी में स्टडी IQ आपको सहयोग करता है, और इसके लिए जो चार्जेस हैं वो चार्जेस किसी भी क्वालिटेटिव
संस्थान की बात करें तो उन सभी क्वालिटेटिव संस्थान में जिसके अंतर्गत स्टडी आईक्यू एक प्राइम प्लेटफॉर्म है, उसमें फीस को लेके बहुत अफोर्डेबिलिटी होती है और हमारी टैगलाइन भी है अफोर्डेबल एजुकेशन, तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन चरण लाइव फाउंडेशन है और इसके अंतर्गत सारी जो क्लासेज हैं वो आपकी लाइव चलती हैं और लगभग फैकल्टी द्वारा लगभग 14 विषयों का आपको अध्यापन यहाँ पे कराया जाता है। अगर आप फाउंडेशन के दौरान साप्ताहिक समय सारणी देखेंगे कि अगर आप क्लास में आते हैं तो वीकली चीजें चलती कैसे हैं, तो सबसे पहले लाइव क्लास आपका होता है, फिर आपको हैंडआउट्स मिलते हैं, मतलब जो नोट्स आपको पढ़ने हैं वो नोट्स मिलता है और इसमें पूरा ये फाउंडेशन सार लाइव होता है, जो विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ हैं वो आपको इसमें कक्षाएं देते हैं। सोमवार से शनिवार सुबह 8 से 11:30 तक की ये लाइव कक्षाएं होती हैं, 3.5 घंटे का प्रोग्राम होता है और कक्षा से पहले आपको जो क्रक्स के रूप में एक सारगर्भित अध्ययन सामग्री जो है, जो नोट्स है वो आपको उपलब्ध हो जाता है। लेक्चर जब होता है तो जो हमारे फैकल्टीज हैं वो पढ़ाते समय बोर्ड यूज करते हैं, तो उसमें भी जो नोट्स ग्राफिक्स वगैरह बनाए जाते हैं वो भी पीपीटी के फॉर्मेट में आफ्टर क्लास आपको मिल जाते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की समझ एक साथ विकसित हो, फाउंडेशन कोर्स का यही मतलब होता है कि दोनों चीजों को एक साथ लेके चला जाए। जब क्लास खत्म हो जाती है उसी टॉपिक्स के हैंडआउट्स आप पढ़ लेते हैं, उसी टॉपिक्स के जो एमसीक्यू होते हैं वो भी आपको वहां पे मिल जाते हैं, एमसीक्यू मल्टी चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको मिल जाते हैं और आप उसको वहां पे हल कर सकते हैं। पीवाईक्यूज आपको क्लास में करा दिए जाते हैं जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए बड़ा खास है, पूरी 2 साल के तैयारी के दौरान जो मेंटर है वो आपकी प्रगति की मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं कि आप में और क्या एक्स्ट्रा कराने की जरूरत है, क्या कुछ अच्छा है और ये एक मित्र की तरह आपके साथ काम करते हैं। जबकि ये वो लोग होते हैं जो कम से कम 1 से 2 बार यूपीएससी का साक्षात्कार दे चुके हैं, ऐसे लोग यहाँ पे जुड़ते हैं। साथ ही साथ उस सप्ताह में एक दिन ग्रुप मोटिवेशन का जो सामूहिक प्रेरणा कार्यक्रम है वो होता है, जिसको हम लोग ज्ञानवाड़ी सत्र कहते हैं। और इस ज्ञानवाड़ी सत्र में आप देखेंगे तो आपको जो सेवा निवृत्त आईएएस आईपीएस इस तरीके के जो सिविल सेवाओं में रह चुके लोग हैं उनके द्वारा ये ग्रुप मेंटरशिप होता है, लाइव होता है, आप अपने जो डाउट्स हैं वो लाइव इनसे पूछ सकते हैं। एक बड़ा सवाल आपका रहता है कि सर करंट अफेयर्स कैसे होगा, करंट अफेयर्स को लेके बड़ी समस्या रहती है। स्टडी आईक्यू ने करंट अफेयर्स के लिए अलग प्रोग्राम बना रखा है डेली बेसिस पे, जिसको करंट अफेयर्स को जिसको कैप नाम दिया जाता है, करंट अफेयर्स प्रोग्राम। इससे क्या है कि आपका जो ज्ञान है इसमें थोड़ी और समसामय के ज्ञान में थोड़ी और बढ़ोतरी हो जाए। ये दैनिक आधार पर करंट अफेयर्स दिया जाता है पर डे, जिसके आपको पूरे व्याख्यान के नोट्स मिलते हैं और पूरी की पूरी एक घंटे सवा घंटे 1.5 घंटे तक की क्लासेस मिलती हैं, उन्हीं नोट्स में जो घटनाएं हैं उसको कवर करते हुए, और ये विस्तार से होता है और इसको आप कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हैं। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलता है लेकिन डेली बेसिस पे दैनिक स्तर पे ये आपको रोजाना आपको मिलता है। एक बड़ी समस्या सीसेट की फंसती है, अक्सर कोचिंग संस्थान आपको फाउंडेशन में जीएस उपलब्ध कराते हैं और नाम जीएस फाउंडेशन रखते हैं, सीसेट की बड़ा जो तिलिस्म है वो आपका रह जाता है और आप सीसेट इग्नोर करते हैं। और इस बार 2023 में जैसा सीसेट का पेपर आया वैसे लोगों को लग गया कि सीसेट को इग्नोर करके आप नहीं चल सकते यहाँ पे। उसके लिए भी आपको उसी फाउंडेशन कोर्स में उसकी भी कक्षाएं आपको मिलेंगी, सीसेट की भी कक्षाएं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डेली बेसिस पे आपको आपके बैच में मिलेंगी। तो ये पूरा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि फैकल्टी कौन है और कैसे पढ़ाया जाता है। साप्ताहिक कार्यक्रम आपने देख लिया, अब अगर डेट वाइज आप देखें, चैप्टर डेट वाइज देखें, सब्जेक्ट वाइज देखें, तो मैं एक बार आपको ये जरूर दिखाना चाहूंगा, आप जिस बैच में जा रहे हैं छठे बैच में जीएस फाउंडेशन पी2आई 28 दिसंबर से ये शुरू हो रहा है और 28 दिसंबर 2023 को इसकी ओरिएंटेशन क्लास है, मतलब बताया जाएगा कि क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन चीजों का। अगर आप एडमिशन नहीं भी ले पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 29 दिसंबर को जीएस पेपर का डिस्कशन कराया जाएगा और फिर उसके बाद 2 दिन की छुट्टियां हैं। 2 जनवरी से प्रॉपर आपका बैच शुरू हो रहा है, मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर 2 जनवरी तक एडमिशन अपना लेता है तो उसका कुछ भी छूटेगा नहीं और 2 जनवरी से आपका शुरू होगा आधुनिक भारत का इतिहास, और जो कि मनोज सर के द्वारा कराया जाएगा, बहुत ही इतिहास के अच्छे और ऑफलाइन में बहुत ज्यादा इनका अनुभव रहा है, बहुत
काफी दिनों से पढ़ाते रहे हैं, अब ऑनलाइन में उसको और भी बेहतर ढंग से कर रहे हैं मनोज सर, तो आप इनसे आपकी कक्षाएं शुरू हो रही हैं। और ध्यान रखिए बिल्कुल डेट मेंशन है कि 2 जनवरी को अगर ये शुरू हो रहा है और 10 फरवरी को खत्म होगा। स्टडी आईक्यू अपना कमिटमेंट हमेशा पेड बैचेस के साथ रखता है पूरा, आपको जो भी कहीं कोई दिक्कत आ जाए यूट्यूब वगैरह में, लेकिन जो हमारी पेड कक्षाएं होती हैं वो जिस दम के साथ हम बोलते हैं उसी दम के साथ वो पूरा भी होता है, एक दिन भी इधर उधर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ऐसा ही है स्टडी आईक्यू, 2 जनवरी से शुरू होगा आधुनिक भारत, 10 फरवरी को शुरू खत्म हो जाएगा, 12 फरवरी से शुरू होगी पॉलिटी और 23 मार्च को खत्म हो जाएगी राज्य व्यवस्था। और यहाँ पे नाम लिखा हुआ अमरेंद्र पांडे, तो मुझे लगता है अमरेंद्र पांडे सर को आप जानते होंगे, मेरा ही नाम है अमरेंद्र पांडे, तो मैं आपके साथ पॉलिटी में जुड़ूंगा। 25 मार्च से शुरू होगा, 30 अप्रैल को खत्म होगा इकोनॉमिक्स, अतुल जैन सर आप बहुत लोकप्रिय सर हैं और इनकी क्लासेज अक्सर आप लोग देखते भी हैं, तो इनके साथ जुड़ेंगे। इसके बाद 1 मई से शुरू हो रहा है आपका प्राचीन मध्यकालीन इतिहास, 1 मई से शुरू होगा, 1 जून को खत्म होगा, 3 जून से फिर 13 जून, फिर 14 जून से 27 जून। और सारी फैकल्टी लिखी है, ओम द्विवेदी सर है, अभिनय बोहरे सर है, मनीष सर है, वीरज सर है, दिलीप सर है, है ना। और यहाँ पे नीति शास्त्र फिर मैं आपको मिलूंगा 12 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में 2024 में, एथिक्स पढ़ाते हुए अमरेंद्र पांडे। आपदा प्रबंधन है, सामाजिक शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय और निबंध ललिता दहिया मैम के साथ ये बैच आपका खत्म होगा। कब खत्म हो रहा है? 14 फरवरी 2025 में, 14 फरवरी 2025 में। और इसी के साथ पैरलर आपको SIP मिलना शुरू हो जाएगा 25 के प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है, 2 साल के आपके प्रोग्राम को यहाँ पे स्पष्ट पूरा डेट वाइज बता दिया गया है। तो ऐसे अगर तरीके से आप अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो आपको सिविल सर्विसेज परीक्षा में परिणाम देने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो ये प्रारंभिक चरण है और सक्सेस इन प्रीलिम्स हमारा दूसरा चरण है, उसमें लाइव रिविजन क्लासेस मिलेंगी, अभ्यास आधारित टेस्ट होंगे, रिविजन बुकलेट आपको मिलेगी। और इसका भी कार्यक्रम पूरा बनाया गया है कि कब से कब तक, देखिए 15 नवंबर 2024 से 22 नवंबर 2024 आधुनिक भारत का इतिहास, फिर 23 से फिर राज्य व्यवस्था, सब पूरा SIP का भी डेट वाइज प्रोग्राम सेट है, ठीक है। फिर मुख्य परीक्षा में आप देखेंगे मुख्य परीक्षा में किस तरीके की गुणवत्ता आपको उपलब्ध कराई जाती है, तो सबसे पहले तो उत्तर लेखन की बुनियादी अवधारणाओं पर कार्यशाला आपको दी जाती है, फिर नीति शास्त्र और निबंध पे क्रैश कोर्स होता है, क्योंकि ये 2 ऐसे पेपर हैं जो 250-250 नंबर के हैं। देखिए नीति शास्त्र और निबंध ये 2 ऐसे पेपर हैं जो 250-250 नंबर के हैं, आप देखिए 250-250 है ना, और निबंध के लिए बमुश्किल से 15 दिन की कक्षाएं और 250 नंबर फाइट करेंगे, नीति शास्त्र के लिए एक पतली सी बुकलेट, 10 दिन का क्रैश कोर्स और फाइट कर रहे हैं 250 नंबर में, इसके लिए अलग से आपको नंबर गेन करने के लिए और छात्रों से मजबूती से फाइट करने के लिए, थोड़े ज्यादा नंबर लाने के लिए, अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे अलग से क्रैश कोर्स है। मुख्य परीक्षा में 150 प्रश्नों और उनके उत्तरों के माध्यम से इतिहास और भूगोल पर विशेष रूप से फोकस किया जाता है, साथ ही साथ जो छोटे छोटे सेगमेंट है आंतरिक सुरक्षा, स्वतंत्रता के पश्चात भारत, विश्व इतिहास के, ये भी रिकॉर्डेड व्याख्यान आपको दिए जाते हैं जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ जाए, लाइव में टाइम लग सकता है तो रिकॉर्डेड व्याख्यान इनका आपको दिया जाता है। साथ ही साथ विषय आधारित जो शिक्षा है उसमें गुणवत्ता संवर्धन के लिए 100+ विषयों पर आपकी कक्षाएं शुरू होती हैं, त्वरित रिवीजन, छोटे शॉर्ट नोट बनाना सिखाया जाता है, निर्धारित समय के उत्तर, दैनिक उत्तर लेखन आप कैसे करें उसके लिए प्रैक्टिस कराई जाती है और आप अपना खुद का आकलन कर पाए और आपको उसका मूल्यांकन के बाद मार्गदर्शन भी दिया जाता है। ये पूरा प्रोग्राम आपके मेंस का है। रिवीजन के माध्यम से पूर्णता देने का प्रयास किया जाता है और सिमुलेटेड टेस्ट के माध्यम से मेंस में आपको अच्छा कैसे कर पाए, मेंस का क्या माइंडसेट है वो आपको तैयार कराया जाता है। इनके भी चरण देख लीजिए, बिल्कुल लिखा हुआ है कब से कब मेंस में कैसे कैसे किन किन चीजों को कराया जाएगा, कौन कौन सी चीजें हैं जो कराई जाएगी। उसके बाद आता है साक्षात्कार का मार्गदर्शन और साक्षात्कार के मार्गदर्शन कार्यक्रम में हमारा जो पैनल है, हमारा जो बोर्ड है, वो आपको इंडिविजुअल गाइडेंस देते हैं, साथ ही साथ कक्षाएं होती हैं और उसके बाद आपको मॉक कराया जाता है। मॉक 2 मॉक इंटरव्यू, संचार कौशल में सुधार और व्यक्तित्व विकास के लिए मॉक इंटरव्यू होता है। साथ ही साथ हमारे पास DFF विश्लेषण सत्र भी है, आपके
विस्तृत आवेदन प्रपत्र के अनुरूप आपको 250 प्लस वैयक्तिक प्रश्नों के साथ आपको तैयारी अपने ऊपर काम करने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए यहाँ पे तैयार किया जाता है। सटीक मार्गदर्शन के लिए हमारे पास अनिल स्वरूप सर हैं, जो कि बड़े नौकरशाह हैं, रिटायर IAS हैं। उनके साथ आपको व्यक्तिगत सेशन सत्र किया जाता है। साक्षात्कार मार्गदर्शन नवंबर 2025 से 2026 तक आयोजित होंगे 2025 के बैच के लिए। तो मुझे लगता है कि इतना मतलब स्पष्ट, साफ साफ, क्लियर कट अगर आपको प्रोग्राम दिया जा सकता है, तो इतना ही इस पर साफ साफ क्लियर कट आप में कॉन्सेप्ट भी डाला जाता है। तो इसके लिए आप जुड़ सकते हैं, नो डाउट। आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करने की जरूरत है, यहां से आप जुड़ सकते हैं। टीम देख सकते हैं, इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो राजव्यवस्था, शासन, सामाजिक न्याय पे 3 फैकल्टी आपको यहाँ पे दिख रही है। अर्थव्यवस्था में अतुल जैन है, मनोज सर है। ऐसे ही अगर आप भूगोल आपदा प्रबंधन में देखेंगे, अभिनव बोहरे सर है, मनीष श्रीवास्तव सर है। आंतरिक सुरक्षा और समाज में देखेंगे तो ललिता दहिया मैम है, ओम द्विवेदी है, अजय अनुराग सर हैं। ऐसे ही आप पर्यावरण पारिस्थितिकी में देख सकते हैं, एथिक्स में मैं आपको मिलूंगा, समसामयिकी में ओम द्विवेदी हैं, दिलीप सर हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। इसी तरीके से और आप देखेंगे तो भारत में विश्व इतिहास, कला, संस्कृति में आपको 3 से 4 लोग, विज्ञान प्रौद्योगिकी में आपको मनीष सर मिल जाएंगे। तो पूरी टीम आपकी कंप्लीट है। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं, तो आपको अलग फैकल्टी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम फैकल्टी आपको आगे जब पढ़ाती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और इंटरलिंकिंग जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। ग्रुप मेंटरशिप भी हमारे पास है, आप अनिल स्वरूप सर को देख सकते हैं, सेवानिवृत्त IAS हैं, और जो हमारा जो मेंटरशिप है उसके हेड भी हैं अनिल स्वरूप सर, आप देख सकते हैं। हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं वो उपलब्ध कराए जाते हैं क्लासेस के, उनके आप देख सकते हैं किस तरीके से जो फॉर्मेट है हैंड रिटन नोट्स का, वो भी आप देख सकते हैं, जो कि आपको ये हैंड रिटन नोट्स उनके द्वारा बनाया जाता है, जो लाइव क्लास में 1 से 2 बार इंटरव्यू मेंस दिए हुए छात्र होते हैं उनके द्वारा, जिससे कि आप एक अच्छा जो मार्गदर्शन है वो उपलब्ध कर पाए, एक अच्छा मार्गदर्शन ले पाए। तो इसी के साथ ये जो आपको गाइडेंस वाली जो ये क्लास थी, इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। और कुछ किताबें हैं जो स्टडी IQ की हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, इन किताबों की भी उपलब्धता आप तक होती है। अगर इन किताबों को अलग से मंगाना होता है तो 4999 में सारी बुक्स आप मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का पूरा प्रोग्राम। अगर आप इस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जब भी आप स्टडी IQ के ऐप पे जाएं या स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाएं, तो वहां पे हिंदी UPSC लाइव हिंदी वाले कोर्स में जाएं, 6ठे बैच को परचेज करें, या SIP जो नई शुरू हो रही है 3 जनवरी से उसको परचेज करें, AP लाइव कोड का इस्तेमाल करें। कोई अगर मैसेज हो, कोई अगर जानकारी अधूरी रह गई हो, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको उस पर पक्का रिप्लाई मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरी क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।